श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सो दोस्तों, नवग्रह शिव महापुराण की कथा में गुरु जी ने तीन विशेष उपाय बताया है जो आपको कुंदकेश्वर महादेव, जी हाँ, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए करना है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। तो दोस्तों, पहला उपाय है, अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई होती हो, सास बहू की नहीं बनती हो, भाई भाई की नहीं बनती हो, पति पत्नी की नहीं बनती हो, बहुत विवाद होता है, तो क्या करेंगे, एक लोटा जल लेंगे, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए पहले चढ़ाएंगे भोलेनाथ जी की शिवपिंडी पर, थोड़ा जल बचा लेंगे, फिर जाएंगे हम कहाँ पर, पीपल के वृक्ष के पास। ठीक है, पीपल के वृक्ष में नीचे जो पत्ती मतलब पत्ता जो गिर जाता है, तोड़ना नहीं हमें, जो पत्ता टूटा हुआ रहता है वो टूटे हुए पत्ते को उठाएंगे, पत्ते को उठाकर पत्ते को रखेंगे कैसे, जो डंडी होगी उस डंडी का भाग अपनी तरफ और पत्ते की जो किनोर होती है उसका भाग पीपल के वृक्ष की तरफ। आप वीडियो में देखकर समझ लीजिए, डंडी का मुख अपनी तरफ होगा, ऐसे रखते हुए फिर आपको आपके घर का गोत्र, आपके परिवार में जो गोत्र है आपका, उस गोत्र को बोलते हुए आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल समर्पित करना है। ये आपका पहला उपाय। दूसरा उपाय, गुरुजी ने कहा है अगर आपको कोई दवाई चल रही है किसी बीमारी की, तो आप उस दवाई को खाने के पहले कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई का सेवन करें। उससे क्या होगा, उससे आपकी जो दवाई है औषधि आपको लगना शुरू हो जाएगी और आपकी बीमारी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। ये दूसरा उपाय। तीसरा उपाय यह है कि आपके ग्रह अनुकूल नहीं चल रहे हैं, तो सब ग्रहों के लिए केवल एक ही काम करना है, आपको चढ़ाना है एक लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, थोड़ा जल बचा लेना और फिर उस जल को पीपल के वृक्ष के नीचे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करना है। यह तीन उपाय गुरुजी नवग्रह सीमापरण की कथा में बताए हैं, आप जरूर कीजिएगा, आपको फल जरूर प्राप्त होगा। श्री शिवाय नमस्ते।